नमः शिवाय। आज सद्विशा नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक अत्यंत धैर्य वाले, साफ साफ बोलने वाले, अभूतपूर्व नेतृत्व की क्षमता वाले, साइंटिफिक तथा टेक्निकल क्षेत्र में इंटरेस्ट रखने वाले और विख्यात होते हैं। ऐसे जातक धार्मिक और उच्च महत्वाकांक्षी भी होते हैं। आज शाम को थोड़ी भ्रमात्मक स्थिति पैदा हो सकती है। दिन भर का समय अनुकूल रहेगा। पारिवारिक चिंता थोड़ी बनी रहेगी। व्यावसायिक उत्थान का समय चल रहा है। काम करने के कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। उचित निर्णय लेकर काम करें। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में सावधानी बरतें। हनुमान जी की आराधना करें। आज आपकी स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बन रही है, लेकिन भ्रमात्मक स्थिति खास तौर से व्यावसायिक पक्ष के लिए आज बनी हुई है। सोच समझ कर निर्णय लें। आर्थिक पक्ष सुरक्षित है। शासन सत्ता का सहयोग मिलता रहेगा। पारिवारिक संतुष्टि बनी हुई है। प्रयास आपके सार्थक होंगे। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। चंद्रमा के राहु के नक्षत्र में होने की वजह से काम में थोड़ी रुकावट या अड़चन महसूस हो सकती है, फिर भी आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। व्यावसायिक उन्नति के योग बने हुए हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में अनुकूलता मिलेगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। शासन सत्ता का सहयोग बना हुआ है। माँ दुर्गा की आराधना करते रहें और अच्छा रहेगा। आज आप अपने पहले से ज़्यादा तरोताज़ा और चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे और व्यस्तता भी बनी रहेगी। लगभग सभी कामकाज आपके अनुकूल रहेंगे। कार्य व्यवसाय में अनुकूलता, पारिवारिक सुख संतुष्टि, संतान के प्रति अनुकूलता और आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। कोर्ट कचहरी या वाद विवाद के मामले में भी अनुकूलता बनी हुई है। प्रयास करें, सब सार्थक होगा। आज के लिए ईश्वर को धन्यवाद करें। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पारिवारिक संतुष्टि बनी हुई है। ससुराल पक्ष से कुछ तनाव महसूस हो सकता है। आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस करेंगे। भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। फिर भी व्यावसायिक पक्ष मजबूत रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों को थोड़ा तनाव हो सकता है। संतान पक्ष से असंतुष्टि महसूस होगी। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। सूर्य देव को अर्घ दें और ओम घृणी सूर्याय नमः का मानसिक जप करें। आज स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी हुई है, लेकिन अपने ही काम और सक्रियता पर आपको भ्रम की स्थिति हो सकती है। कार्य व्यवसाय अनुकूल है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। भाई बंधुओं से सहयोग बना हुआ है। संतान पक्ष और पारिवारिक रूप से असंतुष्टि महसूस होगी। गाय को हरा चारा खिलाएं या माँ दुर्गा की आराधना करें। आज निजी सुख में असंतुष्टि की भावना बलवती रहेगी, क्योंकि आज चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है। एक भ्रमात्मक आवरण दिन भर बना रहेगा। हालांकि व्यवसाय संबंधी अनुकूलता बनी हुई है। आर्थिक पक्ष मजबूत है। प्रयास सार्थक होंगे और संतान संबंधी अनुकूलता बनी हुई है। गाय को रोटी खिलाएं और माँ दुर्गा की आराधना करें। आपके काम में रुकावट का दौर अभी बना रहेगा। मानसिक रूप से भ्रमात्मक स्थिति बनी रहेगी। पारिवारिक असंतुष्टि और घरेलू जिम्मेदारी का दबाव अभी बना रहेगा।
मित्र बंधुओं का अपेक्षित सहयोग मिलेगा। हनुमान जी की आराधना करें या ओम हंग हनुमते नमः का मानसिक जप करें। आपके प्रयास सार्थक होंगे, मेहनत के अनुरूप धन संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी, संतान पक्ष अनुकूल रहेगा, अच्छे कामों में धन खर्च का योग बना हुआ है, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, ननिहाल पक्ष से तनाव मिल सकता है, अनावश्यक वाद विवाद से आज बचें। आज परिवार व संतान से वैचारिक मतभेद की स्थिति बनी रह सकती है, व्यावसायिक पक्ष मजबूत रहेगा, धन लाभ की स्थिति बनी हुई है, आय संबंधी मामलों में आप सफल रहेंगे, शाम तक पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामले में अनुकूलता बनी हुई है, हनुमान जी की आराधना करें या ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें। आज आपके अच्छे कामों में खर्च की स्थिति बनी हुई है, संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, व्यावसायिक पक्ष अनुकूल है, भाग्यवश धन लाभ की स्थिति बनी हुई है, वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामले में भी अनुकूलता बनी हुई है, मगर पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सुबह पीपल के पेड़ में जल डालें या शाम को तेल का दीपक जलाएं। मानसिक भ्रम की स्थिति दिन भर बनी रहेगी, शाम के बाद अनुकूल समय होगा, व्यवसाय संबंधी अड़चन पैदा हो सकती है, अपनी सक्रियता बरकरार रखें, भाग्यवश धन लाभ की स्थिति अनुकूल हो जाएगी, मगर संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। केले के पौधे में जल डालें और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का मानसिक जप करें। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।